नमस्कार साथियों, सीएनडब्ल्यू ट्रेनिंग सेंटर अमृतसर। आज हम जो एलएचवी में हैंड ब्रेक है उसकी ऑपरेटिंग, उसकी वर्किंग, उसका मैकेनिज्म और न्यूमेटिक उसमें कहां से उसको कनेक्ट किया गया है, इन चीजों के बारे में हम ब्रीफ आज जानकारी एकत्रित करेंगे। और ये सबसे पहले हम शुरू करते हैं जो हमारी नॉर्मल टेस्टिंग रहती है। टेस्टिंग में हम हैंड ब्रेक को क्लॉकवाइज घुमाते हैं कि ये ऑपरेट होगी। आप बाहर जाके इंडिकेटर देखें, हैंड ब्रेक इंडिकेटर को देखें। अब हम इसको रिलीजिंग करेंगे एंटी क्लॉकवाइज। इसको जब घुमाएंगे ऑफ करेंगे, ऑफ ऑन ऑफ इसमें लिखा रहता है, ऑफ की तरफ जब इसको करेंगे तो ध्यान से सुनना है, यहां से हमें एक आवाज आएगी। इसके बाद हम इसको डिसमेंटल भी करेंगे, उसमें भी हम आपको ब्रीफली इसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट लगे हैं उसकी जानकारी देंगे। ये जो अभी प्रेशर की आवाज आई है वो जो इंडिकेटर है हमारे हैंड ब्रेक को, उनको जो प्रेशर न्यूमेटिक गया हुआ है उसमें से जब भी ब्रेक एप्लीकेशन होगी वो रेड होते हैं हैंड ब्रेक इंडिकेटर। और जब जैसे कि अभी हमने देखा था, और जैसे हम इसको रिलीज करते हैं तो वो ग्रीन हो जाते हैं। तो वो जो सीआर, एक एडिशनल सीआर WLRRM जो ब्रेक बान है LHB की, उसके ऊपर एडिशनल सीआर लगा रहता है, उसमें न्यूमेटिक कनेक्शन रहता है। इसमें जो इसको कनेक्ट किया गया है उसमें वेवल गियर, एक थ्रेडेड रॉड रहता है, थ्रेडेड रॉड के साथ रोलर ऑपरेटिंग लीवर उसके साथ लिंक्ड रहता है, और उसके साथ फ्लोटिंग लीवर रहता है, फ्लोटिंग लीवर के साथ वायर कनेक्टर रहते हैं, जो जब भी इसको हम घुमाते हैं तो वो उसकी ट्रैक्शन के साथ उसको ऊपर उठाती है जिससे ब्रेक एप्लीकेशन होती है। अब हम बोगी के नीचे जाके इसकी कनेक्टिविटी, जो इसका मैकेनिज्म है, असल में ये ब्रेक, इसको न्यूमेटिक ब्रेक नहीं लगती है, ये मैकेनिज्म से ही इसकी ब्रेक लगती है। बेसिकली मैं ये समझाना चाहता हूँ जो इसमें न्यूमेटिक कनेक्शन है उसका काम सिर्फ इंडिकेटर को प्रेशर देके ब्रेक लगी हुई अवस्था में उसको रेड करना है और रिलीजिंग अवस्था में उसको ग्रीन करना है। न्यूमेटिक का काम सिर्फ इतना है, वो जो उसमें सीआर नीचे एक एडिशनल लगा हुआ है उससे एक प्रेशर दिया रहता है, जिसमें जो ऑपरेटिंग वाल्व है उसके साथ एक इनलेट रहती है, एक आउटलेट रहती है। जैसे ही वो उसके ऊपर रेस्ट किया रहता है तो वो इनलेट तक प्रेशर रहता है, जैसे ही उसको वो ऑपरेट कर लेता है, उसको वायर को भी अपने लीवर के साथ खींच लेता है ट्रैक्शन के साथ, तो वो जो न्यूमेटिक का प्रेशर एक इनलेट से दूसरी इनलेट में होता हुआ इंडिकेटर तक चला जाता है और इंडिकेटर हमारे ग्रीन हो जाते हैं और यहीं से हमें प्रेशर की आवाज आती है। तो वो जो प्रेशर है न्यूमेटिक है वो सिर्फ इंडिकेटर तक है, पहली चीज बेसिकली मैंने ये आपको बतानी है। दूसरी, अब हम बोगी के नीचे जाके इसके जो कनेक्टर हैं वो कहाँ कहाँ से जुड़े रहते हैं और कभी दिक्कत आ जाती है उसको हमें सेट करना पड़ता है, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी करेंगे। तो अभी नीचे का पोर्शन बोगी के नीचे चलेंगे, वहां देखेंगे। ये अभी हैंड ब्रेक हमने रिलीज कर दी हुई है, तो अभी हम है ब्रेक पैनल के ऊपर, जो LHV की WLRRM जो ब्रेक बान है उसके हम ब्रेक पैनल के ऊपर है। और इस ब्रेक पैनल के ऊपर हमें एक चीज एडिशनल दिखाई देती है। नॉर्मली हमारा DV रहेगा, CR रहेगा, पीछे AR रहेगा, लेकिन इस ब्रेक पैनल के ऊपर हमें ये CR दो दिखाई दे रहे हैं, एक CR ये है, एक CR ये है। इनमें से एक एयर ब्रेक सिस्टम के लिए है और दूसरा जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जो हैंड ब्रेक के जो इंडिकेटर है उनको प्रेशर देने के लिए वो CR। हमें पता कैसे चलेगा, इसके पाइपलाइन को ध्यान से देखना है। ये जो पाइपलाइन के ऊपर हमें दो पाइप्स दिखाई दे रही हैं, जिस CR के साथ दो पाइपलाइन जुड़ी होंगी और उनका डाया बिल्कुल कम होगा, वो हैंड ब्रेक के लिए है, हैंड ब्रेक के जो इंडिकेटर है उनके लिए है, और जो CR सीधा DV के साथ कनेक्टेड है। तो ये जो ये एयर ब्रेक के लिए, तो ब्रेक पैनल के ऊपर ये चीज समझनी बड़ी जरूरी है। नॉर्मल बाकी गाड़ियों के ऊपर, जिस गाड़ी के ऊपर हैंड ब्रेक नहीं रहेगी उसमें CR एक ही रहेगा, लेकिन जहां हैंड ब्रेक रहेगी वहां CR दो रहेगी। हमें ये पहचान होनी चाहिए
हैंड ब्रेक के इंडिकेटर का सीआर कौन सा? अभी हम हैंड ब्रेक यूनिट की कार्यविधि को समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के जरिए। ये स्केच एक बना हुआ है जिसमें कंपोनेंट्स के नाम, हम इसको पढ़ सकते हैं कंपोनेंट्स के नाम, और अभी आगे वीडियो में इसकी वर्किंग हम देखेंगे। हैंड ब्रेक अरेंजमेंट इन एलएचवी कोचेस, एलएचवी कोच हैंड ब्रेक यूनिट, यह है हैंड ब्रेक व्हील। इसको क्लॉकवाइज घुमाने से ब्रेक अप्लाई होती है और एंटी क्लॉकवाइज रिलीज होती है। वेवल गियर अरेंजमेंट है, थ्रेडेड स्पिंडल, थ्रेडेड ब्लॉक विद फ्लोटिंग लीवर, ये दो केबल्स हैं फ्लेक्सिबल केबल्स जो नीचे ब्रेक सिलेंडर के साथ कनेक्टेड रहती हैं। रोलर लीवर वाल्व है, ये दो पाइप्स हैं जो 6 लीटर के एआर से कनेक्टेड रहती हैं। जो न्यूमेटिक इसमें इंडिकेटर के लिए प्रेशर रहता है वो 6 लीटर के एआर से इंडिकेटर से। ये है फोर्क एंड फ्लेक्सिबल पाइप, फ्लेक्सिबल वाल्व केबल, ब्रेक सिलेंडर, फोर्क एंड। बॉल जॉइंट, लॉकिंग नट, दो ब्रेक सिलेंडरों के ऊपर ये हैंड ब्रेक का अरेंजमेंट रहता है क्रॉस स्थिति में, उनके साथ दो फ्लेक्सिबल केबल से ये जुड़ा रहता है। वीडियो में दिखाई दे रहा है ये दो फ्लेक्सिबल केबल्स हैं, ये बॉडी बोगी कनेक्शन है, ये ऊपर हैंड ब्रेक के साथ कनेक्टेड है। फ्लोटिंग लीवर, फ्लेक्सिबल केबल ये दिखाई दे रही है। ये ब्रेक कंट्रोल पैनल के ऊपर जो एडिशनल 6 लीटर का एआर लगा हुआ है इंडिकेटर को प्रेशर देने के लिए, ये पाइपलाइन की सप्लाई है। एयर रिजर्वायर से ये हैंड ब्रेक यूनिट को, रोलर लीवर वाल्व को जो प्रेशर जा रहा है उसकी ये एक इनलेट है, एक इंडिकेटर के लिए, ये इंडिकेटर के लिए सप्लाई दिखाई दे रही है, ये इंडिकेटर के लिए सप्लाई जा रही है। इंडिकेटर लाल हो जाता है उस स्थिति में, इस समय ग्रीन है, इसका मतलब 6 लीटर का एयर हमारा चार्ज है, ब्रेक रिलीज स्थिति में है। अब हम इसको एप्लीकेशन करेंगे, ऑपरेट करेंगे। हैंड ब्रेक व्हील को हम रोटेट कर रहे हैं, फ्लोटिंग लीवर उठ रहा है, फ्लोटिंग पूरी यूनिट एज ए यूनिट उठ रहा है, केबल भी इसके साथ उठ रही है, फ्लेक्सिबल केबल्स जो हैंड ब्रेक से कनेक्टेड है वो भी उठ रही है। दोनों पाइपों में जो प्रेशर आ रहा है वो भी इंडिकेटर को जा रहा है। फोर्क एंड से देखिए ये ब्रेक एप्लीकेशन हो रही है और ये ब्रेक का ग्रिप बन रहा है, ब्रेक पैड का ब्रेक डिस्क के ऊपर ग्रिप बन रहा है ब्रेक एप्लीकेशन का, और इंडिकेटर लाल हो रहा है, ये हमारी ब्रेक एप्लीकेशन। अब रिलीजिंग, अब वापस फ्लोटिंग नीचे आ रही है, फ्लेक्सिबल केबल्स जो हैं वो भी वापस नीचे जा रही हैं। इस समय रिलीजिंग की स्थिति दिखाई दे रही है, रिलीजिंग हो रही है। रोलर लीवर का प्रेशर जो है उस जैसे ही वो कनेक्ट होता है तो प्रेशर कट जाता है और वो एग्जॉस्ट, और ये देखिए रिलीजिंग हो रही है फ्लेक्सिबल केबल से, ये ब्रेक डिस्क के ऊपर ग्रिप रिलीज हो गया है और ये इंडिकेटर जो रेड था वो ग्रीन हो गया है। तो ये हमने एक छोटी सी क्लिप के जरिए वर्किंग समझने की कोशिश की है, और इसको हम अगर बार बार देखेंगे ध्यानपूर्वक और प्रैक्टिकली करेंगे और ज़्यादा समझ में आएगा। अभी आने वाली इसी के साथ हम जो अगली वीडियो है इसमें हम इसमें आने वाले फेलियर्स और उसका कैसे निवारण करना है उसकी जानकारी। हैंड ब्रेक यूनिट पर आने वाली ब्रेक लगने और ना लगने संबंधी त्रुटियां, जब हैंड ब्रेक को क्लॉकवाइज चलाएंगे ब्रेक लगेगी, एंटी क्लॉकवाइज चलाएंगे ब्रेक रिलीज होगी।
ये सामान्य वर्किंग हैंड ब्रेक की रहती है, लेकिन इसमें जब कुछ त्रुटियां आती हैं तो इस वीडियो में हम उनको जो दोष आते हैं उन पे हम जब हैंड ब्रेक को हम क्लॉकवाइज चला रहे हैं, ब्रेक नहीं लग रही जबकि लगनी चाहिए, तो ऐसी स्थिति में हमें जो फ्लेक्सिबल केबल कनेक्शन है उनको उनके ऊपर कोई भी कनेक्टिविटी डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, कोई कनेक्टिविटी खुली नहीं होनी चाहिए, पहले ये चेक करना है। फिर हम उसको पिन निकाल के पहले डिस्कनेक्ट करेंगे, जैसे वीडियो में आप देख रहे हैं। बॉडी बोगी कनेक्शन को खोलेंगे तो ऊपर से लिंक आ रहे हैं केबल के, उनको खोलेंगे, बोगी के ऊपर जो कनेक्ट किए हुए हैं इसे सावधानी पूर्वक हमने खोलना है। और ये केबल लिंक को क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको घुमाएंगे, आवश्यकता अनुसार जितनी जरूरत है वो रेस्ट कर जाएगा अपनी जगह पे। उसके बाद दोबारा इसको असेंबल कर देंगे। ऐसी स्थिति में तकरीबन ये दिक्कत हमें मिलेगी मिलेगी, अगर उसके जो ब्रेक गियर का मैकेनिज्म में कोई त्रुटि हो तो। फिर इसे दोबारा पिन लगा के सुरक्षित करेंगे, स्प्लिट पिन आदि प्रॉपर इसमें ध्यानपूर्वक लगाएंगे, उसको पूरी तरह से सुरक्षित करेंगे। ये बॉडी बोगी कनेक्टर को अच्छी प्रकार चेक नट्स स्लीव नट्स आदि से इसको कसेंगे बोगी के ऊपर, वहां ये कनेक्ट रहते हैं जैसे वीडियो में दिखाया जा रहा है। इसके बाद फोर्क लिंक की तरफ से केबल एंड लिंक को खोलेंगे, केबल एंड लिंक को क्लॉकवाइज घुमाएंगे, आवश्यकता अनुसार उसमें क्लियरेंस बन जाती है, उस क्लियरेंस को खत्म करेंगे और असेंबल कर देंगे। अगली त्रुटि में हमें मिलता है, हम एंटी क्लॉकवाइज चलाते हैं, ब्रेक रिलीज नहीं हो रही है जबकि होनी चाहिए, तो फिर हमने वही करना है, उसको जो बॉडी बोगी कनेक्शन में पिन को निकाल के केबल लिंक को एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं, क्योंकि अभी हमें लूज करने की जरूरत है। जैसे वीडियो में हम देख पा रहे हैं चेक नट्स हैं, उनको खोल के इसको अच्छी प्रकार डिसमेंटल करेंगे। तो
ऐसी स्थिति में हमें इसे एंटी क्लॉकवाइज केबल लिंक को एंटी क्लॉकवाइज जैसे इसको रिड्यूस करेंगे और दोबारा इसको सुरक्षित रूप से पिन आदि की सहायता से दोबारा कनेक्ट करेंगे। ये ऐसी स्थिति है जब हम हैंड ब्रेक लगा रहे हैं तो उल्ट काम कर रही है, जब लगनी चाहिए नहीं लग रही है, नहीं लगनी चाहिए उस समय लग रही है, तो हमें इसके बीच में कई बार क्लियरेंसेस जो है वो टाइट हो जाती हैं या लूज हो जाती हैं, तो हम इस प्रकार उसको एडजस्ट करते हैं। इसके बाद हम बताएंगे कि इंडिकेटर कई बार उल्ट निर्देश देना शुरू कर देते हैं, उस समय हमें किन चीजों का एग्जामिन करना चाहिए, मेंटेन करना चाहिए, तो ये उसके बाद इसको हम जो ये कनेक्टर हैं इसको अच्छी प्रकार से टाइट कर देंगे। बॉडी बोगी कनेक्टर हैं केबल्स के लिए, फ्लेक्सिबल केबल जो है हैंड ब्रेक के लिए, दोनों ब्रेक सिलेंडर्स के लिए। अब उसी प्रकार फोर्क लिंक साइड से केबल एंड लिंक को भी हम एंटी क्लॉकवाइज इसको लूज करेंगे। लूज करके दोबारा उसको सुरक्षित असेंबल करेंगे। इसके बाद अगली दिक्कत जो आ जाती है वो इंडिकेटर्स के ऊपर दिक्कत आ जाती है। हमने क्लॉकवाइज चलाया है, ब्रेक लगी है, लेकिन इंडिकेटर ग्रीन शो कर रहा है। ऐसी स्थिति में रोलर लीवर वाल्व की कंडीशन को हमें चेक करना है, प्रॉपर सेटिंग जो है फ्लोटिंग की उसको हमें चेक करना है, उसमें कोई त्रुटि ना हो। और जो उसके एयर होज हैं उनको अच्छी प्रकार चेक करना है, उनमें कोई त्रुटि ना हो, कोई लीकेज ना हो। अगली स्थिति आ जाती है एंटी क्लॉकवाइज घुमाने पर ब्रेक रिलीज है लेकिन इंडिकेटर रेड है। रोलर लीवर वाल की ऐसी स्थिति में रोलर लीवर वाल को हम चेक करेंगे, उसकी कंडीशन क्या है, उसमें कोई लीकेज तो नहीं है या उसमें कोई अबनॉर्मेलिटी तो नहीं है। रोलर वाल्व और कंटेक्ट प्लेट का आपस में उसका जो है उसको चेक करेंगे। एग्जॉस्ट पॉट जो है उसकी चोक तो नहीं हो गई है, इसको चेक करेंगे। कॉन्टेक्ट प्लेट प्रॉपर सेटिंग चेक करेंगे। अगर जरूरत है इन दोनों स्थितियों में तो हम एयर होज कनेक्शन को बदल देंगे या रोलर रिवर वाल्व को बदल देंगे। धन्यवाद।